और चलिए इसी बीच अब रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। जो आपको बता दें कि सीएम विष्णु देसाई के आज के कई सारे कार्यक्रम हैं। दरअसल जनजाति समाज की कार्यशाला में भी शामिल होंगे, संगोष्ठी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया है, राजभाषा दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के मंडला के दौरे पर भी सीएम साय आज पहुंचेंगे। तो सीएम विष्णु देसाई के आज के कुछ कार्यक्रम, जहां जनजाति समाज की कार्यशाला में भी शामिल होंगे, संगोष्ठी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया है, जहां राजभाषा दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो इधर मध्य प्रदेश के मंडला के दौरे पर भी सीएम साय रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पुष्पांजलि, सीएम विष्णुदेव साय के आज कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या जानकारी उनके कार्यक्रमों को लेकर? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, जिसके इस कड़ी में वो सुबह 10:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें वे शामिल होने वाले हैं। और साथ ही ऑडिटोरियम में संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो दोपहर 12:30 बजे के बीच विधानसभा जाएंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा जाएंगे, और वहां पर वे नवनियुक्त सुनील सोनी के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। आज जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर, सुनील सोनी विजय हुए थे, भाजपा को भारी मतों से जीत मिली थी। तो आज इसी कड़ी में विधायक बनने के अवसर पर पद ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसमें वे शपथ लेंगे, विधायक पद की शपथ लेंगे, और जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री है वे मंडला जिला जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां पर मंडला जिले के एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और वहीं वे शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच रायपुर लौट आएंगे, और जहाँ जिसके बाद वे न्यू सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जी, आज उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं, व्यस्तता के साथ आज का उनका दिन गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।